सर एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो कि लखनऊ में रेंट में रह रहे हैं और अपना मकान चाहते हैं लखनऊ के अंदर। हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबीएम पट्टा। और गाइस, जैसे मैं आप लोगों के लिए हर तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, आज मैं अगेन आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ और वो भी आपके लखनऊ की टाउनशिप की वीडियो है और काफी अफोर्डेबल सेगमेंट भी प्रोजेक्ट है जो मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बता दूँ कि सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा देता है कि मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती है। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं, मैं जिस टाउनशिप के बारे में आपको बात करने जा रहा हूं, तो गाइस एक की सुनहरा अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो कि लखनऊ में रेंट में रह रहे हैं और अपना मकान चाहते हैं लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो डीएलएफ एक बार फिर से, अभी आपको पता होगा 2-3 महीने पहले डीएलएफ अगेन ईडब्ल्यूएस एलआईजी कॉन्सेप्ट लेके आया था। ठीक है, तो अभी उन्होंने फिर से अपनी 350-400 ईडब्ल्यूएस एलआईजी जो रिमेनिंग बची हुई है उनको फिर से लॉन्च किया हुआ है उन्होंने और जिसकी फॉर्म के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। तो अभी डेट एक्सटेंड हुई है तो इसलिए पहले तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन डेट एक्सटेंड हो गई तो मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है डीएलएफ का, ये आपका रायबरेली रोड पे है, अप्रोक्सीमेट 200-250 एकड़ की टाउनशिप है, उसमें ईडब्ल्यूएस एलआईजी आई हुई है। जो आपको ईडब्ल्यूएस है वो आपका उन्नति है और एलआईजी आपने की प्रगति इनाम से है। और गाइस इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको साइजेस वगैरह जो सारी चीजें मिलनी है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस है उसका जो आपका भवनों की संख्या है 156 है और जो एलआईजी है उसमें 193। ओवरऑल देखा जाए तो आपका अराउंड 350-400 ईडब्ल्यूएस एलआईजी निकली हुई है। और इसमें जो आपका एरिया बता दूं ईडब्ल्यूएस का, तो 20.303 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया रहेगा और जो आपका एलआईजी का है वो 30.978, अराउंड 450 स्क्वायर फीट एलआईजी है और 250 स्क्वायर फीट के अराउंड आपकी ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप। ठीक है, तो ये दो निकली हुई है, इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है किनको ये मिल सकती है। तो जो आपकी ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है एनुअल इनकम, उनको मिल सकती है। और जो आपकी एलआईजी होगी वो जिनकी इनकम 6 लाख रुपए से कम है एनुअल इनकम, उनको एलआईजी मिल सकती है, वो इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्लैट्स है। ठीक है, जो इसकी कॉस्टिंग है, जो इसका अमाउंट है, ओवरऑल अगर बात करूं तो जो ईडब्ल्यूएस है वो आपकी 4,58,634 रुपए और उससे लेकर के 4,73,000 पीएलसी वगैरह कुछ लगा के, ठीक है, मतलब 4.5 मोटा मोटा 4,70,000 मान के चले ऑन एन एवरेज में आपकी ईडब्ल्यूएस आ जाएगी। और जो आपकी एलआईजी आएगी वो आपकी 11,43,000 से लेकर के 11,74,000 रुपए तक की आएगी। इसमें लोन फैसिलिटी भी है, आप आईसीआईसीआई से लोन भी इसमें करा सकते हैं और भी कई सारी बैंक है जो इसमें लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए आप उससे लोन भी करा सकते हैं इस पर। ठीक है, तो चलिए और जो बातें हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें लॉटरी सिस्टम है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि अगर आपने फॉर्म भरा तो आपका निकल ही जाएगा। हाँ, इस बार चांसेस ज्यादा है कि लॉटरी पड़ेगी और आपका निकल आएगा। ठीक है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो चांसेस ज्यादा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर्म भरा तो आपका निकलेगा ही। तो गाइस मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, जो साइड में आपको एक लिस्ट भी दिखाई दे रही होगी वो भी देख लीजिए और बाकी मैं वर्बली भी आपको बता दे रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी के लिए जिसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमेसाइल, अगर आप डोमेसाइल के लिए तुरंत अप्लाई कर रहे हैं तो डोमेसाइल का एक्नॉलेजमेंट से भी काम चल जाएगा, आप डोमेसाइल का एक्नॉलेजमेंट देके भी काम करा सकते हैं। और साथ ही आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगेगा एज पर द गिवन फॉर्मेट, जो आपका एक फॉर्मेट दिया होगा साइड में, देखिए स्क्रीन में बन के आ रहा होगा, एक फॉर्मेट दिया हुआ है
वैसा आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बनवाना है 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और वो भी आपका इसमें जरूरत होगी। और साथ ही जो EWS लेना चाह रहे हैं तो EWS के लिए आपको 35,000 रुपए की DD बनवानी है, फेवर ऑफ आपका DLF लिमिटेड रिटेल प्रोजेक्ट के नाम से। DLF लिमिटेड रिटेल प्रोजेक्ट नीचे स्क्रीन में भी लिख के आ रहा होगा, उसके नाम पे आपको DD बनवानी है। और अगर आप LIG ले रहे हो तो सेम उसमें आपको 45,000 LIG पे, EWS पे 35,000 था और LIG पे आपको 45,000 रुपए की DD बनवानी है, सेम आपका DLF लिमिटेड रिटेल प्रोजेक्ट के नाम पे, ठीक है। नीचे गिवन होगा, अगर कोई आपको इंक्वायरी करनी है तो नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको फुल फॉर्मेट भेज दिया जाएगा कि कैसे किस फॉर्मेट में आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट DD किस तरीके से बनवानी है, उसमें आपकी हेल्प भी करी जाएगी। तो ये तो रहा जनरल कैटेगरी का, और जनरल कैटेगरी अगर जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लगा दें, और जो भूतपूर्व सैनिक है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी अच्छा एडवांटेज मिलेगा, उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही अब हम बात करते हैं अदर कैटेगरीज की, तो अदर कैटेगरीज में भी सेम चीजें लगेंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमेसाइल, ठीक है। उनका एक चीज एक्स्ट्रा हो जाता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाइए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए, उसकी प्रेफरेंस आपको भी मिलेगी, ठीक है। और सेम EWS में आपको 35,000 की DD बनवानी है और LIG में आपको 45,000 की DD बनवानी है। तो ये सारी चीजें हैं आपको, और आपको DLF का जो ऑफिस है मुक्तिगंज से, वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा, 300 रुपए फॉर्म की कॉस्ट है, वहां से आप फॉर्म ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लाइए, ठीक है। बाकी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट DLF में जाके तो वहां पे आप भरवा सकते हैं सारी चीजें, वहां पे आप सारी फॉर्मेलिटीज वहां पे करा दी जाएंगी, आपको फॉर्म वहीं से आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये एक छोटी सी जानकारी थी, डिटेल थी, जो लखनऊ में या लखनऊ के बाहर जो रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, वो अपना मकान लखनऊ के अंदर ले सकते हैं, और वो भी एक सस्ती दर पे, एक सस्ते दाम पे। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप लोगों से कोई दूसरी प्रॉपर्टी, कोई दूसरी जानकारी के साथ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको और भी लोगों के साथ शेयर करिए जिसको रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं भी है, जिनको रिक्वायरमेंट है तो उनको शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो गाइस मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।